हम बात करेंगे प्लॉट्स की टाउनशिप के बारे में, जो कि लोकेटेड है सोना रोड के ऊपर। अंसल ने इसको लॉन्च किया है, शिवासम वैली के नाम से ये प्रॉपर्टी है और ये लोकेटेड है सेक्टर 35 सोना के अंदर। बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी जड़ से अपनी हो उसका अलग ही मज़ा होता है, और जो प्रॉपर्टी जड़ से मतलब जमीन या प्लॉट बड़े बुजुर्ग हमेशा यही खरीदते आए हैं, वो कभी फ्लैट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़मीन के ऊपर घर बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं और यही प्रचलन सालों से चला आ रहा है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्लॉट के बारे में, जो कि प्लॉट है 108 गज के और 167 गज के। ये अंसल ने लॉन्च किया है दीनदयाल आवास योजना के तहत लॉन्च किया है, सोना रोड के ऊपर है, एलिवेटेड रोड के ऊपर है। हाईवे की प्रॉपर्टी हमेशा एप्रिसिएशन देती है। अगर आप इस हाईवे की प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग मतलब सोना रोड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने प्रॉपर सोना रोड के बारे में जिक्र किया हुआ है और हाईवे की प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए ये भी हमने जिक्र किया हुआ है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसके अंदर जो रेट है वो 40,000 रुपये गज का रेट है और अभी 1,00,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है आपके रक्षाबंधन तक, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, 1,00,000 रुपये का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोना रोड के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा वैल्यू की बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे पिरामिड की भी टाउनशिप है, उसमें 55,000 रुपये का गज लॉन्च किया है फेज़ टू का। सोना के अंदर अभी 3 टाउनशिप चल रही हैं, अंसल की, दूसरी पिरामिड की और तीसरा एकम प्लॉट्स की। तो तीनों में प्लॉट अवेलेबल हैं, आप जिसमें जाना चाहे जा सकते हैं। फ्लोर की बात करूँ तो ब्रिज है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा सिग्नेचर ग्लोबल्स के प्रोजेक्ट है, उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर साइट विजिट के बारे में, आपको समझाता हूँ एक एक चीज़। पहले आपको एक्चुअल सोना रोड के बारे में दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल साइट दिखाऊंगा और आपको डिजिटल तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और क्यों लेना चाहिए ये भी मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहे। हम वीडियो शुरू करते हैं भोंडसी से, क्योंकि भोंडसी है बादशाहपुर के बाद, भोंडसी आता है, भोंडसी के बाद ही सोना स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से हम रोड की विजिट स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से हम ड्रोन से इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड भोंडसी आता है, और ये बीच में जो आप पिलर देख रही हो ये पूरा का पूरा फ्लाई ओवर है ऊपर की ऊपर। आप जहां भी आपकी क्रॉसिंग आएगी, क्रॉसिंग आते ही फ्लाईओवर है या अंडरपास, ये दो चीजें आएंगी रास्ते में, तो कहीं भी गाड़ी नहीं रुकेगी आपकी, नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी। जैसे ही भोंडसी से थोड़ा आप जाओगे तो ये थोड़ा सा सर्कल बनेगा आपका, राइट टर्न लेगा, तो उसी के लेफ्ट साइड में ही ये दमदमा लेक को रोड जाता है, ये भी सोना में ही कनेक्ट होता है, और जो गुड़गांव से दूसरा रोड आ रहा है उसके अंदर भी ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती थी पहले सोना और गुड़गांव के अंदर, वो आती थी रोड को लेके और जाम को लेके। ये यहाँ पे टोल आएगा, टोल यहाँ से सोना स्टार्ट हो जाता है। टोल का भी क्या है कि आपका 500 रुपये का पास बनेगा मंथली का, आप मतलब सोना से गुड़गांव आना जाना कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर सोना स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही हम सोना पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पास्को, इसमें सभी सर्विस स्टेशन है गाड़ियों के, आपका नेक्सन का है, सारा का सारा कमर्शियल आता है। यहाँ और भी प्लांट लगने वाले हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है जी। ये और भी यहाँ पे कमर्शियल चीज़ें आएंगी, ये ऑलरेडी स्टेड है वहाँ पे, ये ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग है, और ये फ्लाई ओवर है, ये जस्ट यहीं पर ये फ्लाई ओवर एंड हो रहा है और ये यहां पे आ जाएगा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का फ्लाईओवर यहां पे बनेगा, सर्कल जो ये आप देख रहे हैं ये सर्कल है, यहां पे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का सर्कल बनेगा, जो कि आप सोना से आते हैं तो भी आप अगर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर लेना चाहते हैं तो यहां से टर्न ले सकते हैं इसके ऊपर, और अगर आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से आ रहे हैं और गुड़गांव जाना चाहते हैं तो आप यहां से भी एग्जिट हो सकते हैं। तो मतलब कई तरह के ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जब गुड़गांव डेवलपमेंट होने लगा था तो ये नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी गुड़गांव के अंदर, अगर ये पता होता तो पहले ही ये डेवलपमेंट कर सकते थे।
ये पूरे के पूरे सोना यहाँ से सेक्टर ये 36 आता है, इधर 35 सेक्टर आता है। तो ये राइट साइड में आपके सिग्नेचर ग्लोबल पार्क है, ये सिग्नेचर का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर 35 है, और ये ब्रिज का प्रोजेक्ट है इस साइड आपके लेफ्ट साइड में। ये ब्रिज का प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव अफोर्डेबल है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की फ्लैट्स हैं इसके अंदर, फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, पोजेशन मिल गई है इस प्रोजेक्ट की। और अभी ब्रिज ने दीनदयाल के बिल्डर फ्लोर लॉन्च किए हैं, वो ये लैंड है यहाँ पे, बिल्कुल ये बगल में ही है, 8 एकड़ की लैंड है जिसके अंदर 450 फ्लोर है। तो उसके अंदर भी ब्रिज ने काफी अच्छा काम किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि पेमेंट प्लान काफी अच्छा लेके आया है वो। 35 और 65 का पेमेंट प्लान है, सिर्फ 35 अभी आपको पे करना है विद इन 45 डेज के अंदर, और बाकी का आपको करना है ऑन पोजेशन में। पोजेशन चाहे 4 साल में मिलो, लेकिन तभी आपने पेमेंट करनी है। ये बगल में सेंट्रल पार्क है, फ्लोर वैली, 250 एकड़ की टाउनशिप है, बल्कि अभी ये 500 एकड़ की होने जा रही है। इसके अंदर सेंट्रल पार्क ने प्लॉट लॉन्च किए हैं 82,000 रुपये गज से। तो गुड़गांव देखो धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, रेट में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो अगर आपने अभी प्रॉपर्टी नहीं परचेज की तो फिर लेट हो जाओगे, आने वाले टाइम में फिर आप खुद ही इस एरिया में मांगोगे कि इस रेट में प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। वही हाल होगा जैसे कि आज गोलकोट से एक्सटेंशन रोड और हुड्डा सेक्टरों का हाल हो चुका है, क्योंकि वहां पे जो प्राइस है वो 1 लाख पर यार्ड से प्लस हो चुके हैं, कोई भी 70-80 गज की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो यही चीजें हैं, अभी टाइम है प्रॉपर। ये गोदरेज का नेचर प्लस है, ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं ये सारा का सारा एक्वायर एरिया है, यहाँ ऑलरेडी बिल्डर आ चुके हैं, धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट लेके आएंगे। ये यहाँ पे जो ब्रिज के बिल्डर फ्लोर आ रहे हैं, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफी ऊपर आ चुके हैं, और ये मेन रोड से एंट्री है इसकी, भाई इतना डिस्टेंस है, और ये पूरी ग्रीन बेल्ट है। तो ये गेट है जो आप देख रहे हैं, यहीं से ये गेट है। इससे अच्छी अप्रिसिएशन मैंने किसी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं देखी, बिल्कुल ऑन रोड से एंट्री है, छोटा सा प्रोजेक्ट है और बहुत कम फ्लोर है, एमिनिटीज बहुत ज्यादा है, वही सारी है जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर होती है, वो सारी एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर है। अभी इन्होंने क्या किया है कि 150 फ्लोर लॉन्च किए हैं, 150 फ्लोर फिर बाद में करेंगे, 150 फिर बाद में करेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है उसमें टोटल 450 फ्लोर है, 450 फ्लोर को बिल्डर ने डिवाइड कर दिया है 150 150 फ्लोर करके, ताकि जो फेज 1 में लेगा उसको अप्रिसिएशन फेज 2 में देना है, और जो फेज 2 में प्रॉपर्टी लेगा उसको अप्रिसिएशन फेज 3 में देना है। तो मतलब 150 150 करके ये रेट इंक्रीज करके प्रॉपर्टी को लॉन्च करेंगे, एकदम इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। और साथ में मैं बता दूं, इन्होंने जो एमिनिटीज दी है, मॉड्यूलर किचन है, साथ में इन्वर्टर, 4 ACs है, वुडन फ्लोरिंग है मास्टर बेडरूम में, लाइट फैन एवरी थिंग दे रहे हैं, कोई पावर बैकअप चार्जेज नहीं है, कोई क्लब मेंबर चार्जेज नहीं है, इससे अच्छी चीज नहीं मिली। आपके अपोजिट साइड में अगर सिग्नेचर की तुलना इससे करें तो सिग्नेचर से काफी बेटर इन्वेस्टमेंट ये वाली है। तो हम बात कुछ और कर रहे थे लेकिन घुस कहीं और गए। देखो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो तो बात कर लेनी चाहिए, ताकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या पता कोई चीज आ जाए, शायद आपको बेस्ट लग जाए। ये पूरा का सेंट्रल पार्क है, और यहीं पे गेट लगेंगे इसके, ब्रिज के भी 2 गेट इधर लगने हैं। ये सेक्टर रोड है जो अभी सेंट्रल पार्क यूज कर रहा है, ये 24 मीटर सेक्टर रोड है। तो ब्रिज का प्रोजेक्ट है, 2 साइड ओपन है, ये ब्रिज की प्लॉटिंग है यहाँ पे, तो ये 2 गेट यहाँ पे लगेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के, और ये आप जो देख रहे हो गार्डन, ये स्पेस आप यूज कर सकते हो, ये कमर्शियल है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी बेनिफिट है। ये गार्डन आप यूज कर सकते हो, ये ब्रिज का है, यहाँ पे गेट लगेंगे। ये जितने भी ओपन गार्डन है, यहाँ कोई मतलब ब्लॉक नहीं है कि ये आप यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो इनको, और ये सेक्टर रोड है। तो हम थोड़ा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, आपको मैं डिजिटल तरीके से थोड़ा सैटेलाइट के थ्रू मैं आपको अंसल की साइट विजिट करवा देता हूँ, बता देता हूँ कहाँ पे क्या है, और फिर बाद में हम जानेंगे प्रोजेक्ट की प्रॉपर, थोड़ी साइट के बारे में भी जान लेते हैं, साइट कहाँ पे है, कैसी है, क्या लोकेशन है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेल जानेंगे, एक्चुअल हम लेआउट को समझते हैं बाद में। तो अभी जहाँ तक हमने रोड से जो चीजें देखी वो यहाँ पे था, ये आपका ब्रिज का प्रोजेक्ट, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये ब्रिज का प्रोजेक्ट है जो कि रेडी टू मूव है, आपने देखा।
यहाँ पे ये फ्लाईओवर उतर रहा है जस्ट ब्रिज के 100 मीटर पहले। ये पूरी टाउनशिप आपकी आती है सेंट्रल पार्क फ्लोर वैली, और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसे है, ब्रिज का प्रोजेक्ट है फ्लोरा अवेन्यू, जिसमें 2+ स्टडी और 3 BHK के हैं। 2+ स्टडी है 60 लाख रुपए का, 59,44,000 रुपये। ये तुलसानी का प्रोजेक्ट है, इसके बिल्कुल सामने सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने ये तुलसानी का प्रोजेक्ट है। फिर थोड़ा सा आगे आप चलते हो तो लेफ्ट साइड में आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा इसका गोदरेज का नेचर प्लस, ये है गोदरेज का प्रोजेक्ट। ये सामने सेक्टर 35 सेक्टर भी चल रहा है हमारे साथ। उसके बाद फिर यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है और फ्लाईओवर कुछ मीटर आगे जाके ये उतर जाता है, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग है इसलिए ये फ्लाईओवर बनाया गया है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है, इसी से आगे राइट अपोजिट साइड, आपके राइट साइड जब आप गुड़गांव से आएंगे तो ये जो प्रोजेक्ट आप जो देख रहे हैं ग्रीन वैली, ये पिरामिड की टाउनशिप है। अभी पिरामिड ने इसके अंदर फेज टू लॉन्च किया है 55,000 रुपये गज के रेट से, दीनदयाल के अफोर्डेबल प्लॉट है सॉरी। जो फेज वन आया था वो लमसम 47,000-48,000 रुपये के रेट से आया था, तो अभी ये जो फेज टू आया 55,000 रुपये गज के रेट से। ये मतलब 2 से 3 महीने के अंदर इसकी पोजेशन हो जाएगी, सीसी अप्लाई किया हुआ है इसका। उसके थोड़ा सा हम अगर आगे चलते हैं तो यहाँ से अभी रास्ता वैसे यहाँ पे है जो अंसल की साइड पे जाने के लिए, जो आप ये साइड देख रहे हो ये पूरी अंसल की साइट है। ये टोटल 9.5 एकड़ की साइट है, ये ऐसे ये साइट बनती है 9.5 एकड़ की ये साइट है, और इसमें जो 60 मीटर रोड है वो यहाँ से ऐसे प्रपोज्ड है, सेक्टर रोड है 60 मीटर, जैसे कि आप गुड़गांव के अंदर देखते हैं जो 67 मीटर के जो रोड हैं सेक्टरों से कट होते हैं, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड आएगा। जो ये आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं HCBSE स्पोर्ट्स विला अपार्टमेंट, इसके ये कुछ पार्ट बना हुआ है, ये खुद बिल्डर ने बना रखा है अपने लिए, तो यहाँ से यही रोड बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और यहां से कनेक्ट होने के बाद ये प्रोजेक्ट है ऐसे, ये आधा सेक्टर 2 में है और आधा प्रोजेक्ट 35 सेक्टर में है, तो ऐसे ये यहां से कनेक्ट होने के बाद आधा ये जो ब्लॉक है ये इधर के रहेंगे सेक्टर 35 में और इसके अपोजिट साइड वाले रहेंगे सेक्टर 2 में, तो यहीं से सेक्टर 2 और 35 यहां से अलग होते हैं, ये इतने ही सेक्टर है। तो ये साइट है, इसमें बात करें प्लॉट साइज की 108 गज और 167 गज के प्लॉट अवेलेबल हैं। बात करें प्राइस की, प्राइस है 40,000 रुपये गज का रेट, अभी इनोग्रल डिस्काउंट चल रहा है 1,00,000 रुपये का टिल रक्षाबंधन तक, अदरवाइज वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कुछ ब्लॉक है छोटे पूरे सोल्ड आउट हो गए हैं, छोटे कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। ये कोई ज्यादा बुरी लोकेशन नहीं है, बिल्कुल बगल में ही है, रोड से ज्यादा अंदर नहीं है, लेकिन रेट भी आपको ठीक मिल रहा है। अगर रोड के ऊपर आपको चीज चाहिए तो मैं आपको इस सोसाइटी के अंदर 55,000 रुपये गज के रेट से आपको प्लॉट दे सकता हूं, इसके अंदर भी प्लॉट अवेलेबल है। डिपेंड है कि लोकेशन क्या है, आप जानते हैं कि कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये वाली साइट है फिर ये वाली साइट है, बस इतना डिफरेंट है, यहां 55 का रेट है यहां 40 का रेट है। इसकी पोजीशन अंसल की पोजीशन मिलेगी 18 महीने में, धीरे धीरे अमाउंट जाएगी, सभी बैंक लोन करते हैं, और इसकी पोजीशन मिलेगी 2 से 3 महीने में, इस पे भी पूरे सभी बैंक लोन करते हैं। तो ये दो साइट है प्लॉट की अभी ऑन रोड के ऊपर जो कि ज्यादा अंदर नहीं है। थर्ड साइट आती है फिर आपकी एकम प्लॉट की, वो जो कि सेक्टर 5 के अंदर पड़ती है। तो ये थी कुछ डिटेल, और अगर इसमें से अगर आपको कुछ पसंद है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रिज का प्रोजेक्ट बिल्डर फ्लोर ट्राई कर रहे हैं तो ये भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्लोर के अंदर जाना चाहते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के, तो ये फ्लोर बन रहे हैं, ये 2 और 3 है, इसके अंदर 32-33 लाख रुपए से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है और 70 लाख-75 लाख तक ये आती है। फिर प्रॉपर्टी आती है सेंट्रल पार्क की ही फेज 4 एंड 5, ये 4 एंड 5 है सिग्नेचर ग्लोबल का। तो इसमें जो 2 BHK तो मोस्टली सोल्ड आउट है, 3 BHK ही बचा हुआ है 4 एंड 5 में, वो 52-53 लाख रुपए से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है।
और ये बगल से ही आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। अभी एंट्री यहाँ से है, ये जो आप छोटा पार्ट देख रहे हैं ये सर्कल आ रहा है, यहाँ पे फ्लाई ओवर आ गया, शायद ये क्लोज भी हो जाए या सर्विस लाइन से देंगे इसका, या फिर इस रोड से ओपन रहेगा या फिर इन सेक्टर रोड से ओपन होगा, क्योंकि यहाँ बगल से तो पूरा कॉरिडोर ही निकल रहा है तो मुश्किल है, बिल्कुल रोड से तो नहीं एंट्री होगी, ये सर्विस लाइन से ही एंट्री होगी। आइए अभी एक बार प्रोजेक्ट के बारे में भी, ये प्रोजेक्ट है अंसल का, शिवासम वैली प्रोजेक्ट का नाम है, दीनदयाल के तहत आता है, ये रजिस्टर है, रेरा नंबर वगैरह है, प्रॉपर सब कुछ मिला हुआ है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो काफी लंबी भी हो गई है। ये है कुछ इस तरीके से का गेट बनेगा इस सोसाइटी का, जो मेन सेक्टर रोड है उससे ये गेट रहेगा, इस तरह का ये डिजाइन होना है। ये मैप है प्रॉपर इसका, इसके अंदर 129 गज है, 167 गज है, 168 है, 82 है, 176 है, 70 गज है, लेकिन इसमें जो अवेलेबल है वो है आपका 108 गज और 167 गज। आपकी जो लाइनें आती है 167, ये 167 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, और ये जो आपके आते हैं, जो आप ये कलर देख रहे हैं, ये है 108 गज के, और ये बीच से सेक्टर रोड है, आपके राइट साइड में चला जाएगा सोना की तरफ, लेफ्ट साइड में आपके दूसरी सेक्टर की तरफ, इधर सेक्टर 2 है ये, इधर ये सेक्टर 35 है। जो मैं आपको साइड दिखा रहा था नक्शा बिल्कुल वैसे का वैसे ही है ये, तो ये जो सर्विस लाइन है इससे आपकी एंट्री होगी। और अभी जो प्लॉट अवेलेबल है वो ये है, पार्क फेसिंग का भी अवेलेबल है और ये वाले प्लॉट अवेलेबल है, बाकी सब सोल्ड आउट है। इसमें जो प्लॉट थे 70 गज से लेके 180 गज के प्लॉट अवेलेबल थे, बाकी सब सोल्ड आउट हो गए हैं। आप अपने हिसाब से फ्लैट बना सकते हैं, मैप मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो यहाँ से ये सेक्टर रोड है, ये दोनों साइड आपका प्रॉपर्टी आती है, ये 35 सेक्टर आता है, ये सेक्टर 2 आता है, बगल में जी डी गोयन का यूनिवर्सिटी है, के आर मंगलम है, और नियर बाई सोना बस स्टैंड पड़ता है। तो बात करें फीचर की, गेटेड कम्युनिटी है, 24 आवर सिक्योरिटी है, चिल्ड्रन प्ले एरिया स्कूल है, पार्क विद वॉक ट्रैक है, सीसीटीवी कैमरा है, योगा है, मेडिसिन पार्क है, ओपन जिम है, एलईडी स्ट्रीट लाइट है, आपके मतलब काफ़ी ऐसी एमिनिटीज हैं जो मतलब एक गेटेड टाउनशिप के अंदर मिलती हैं, वो सारी हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये सेक्टर, ये आपके प्लॉट साइज आते हैं 167, और ये वाले जो प्लॉट हैं ये आते हैं 108 गज के, ये 60 मीटर का वाइड रोड है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रॉपर डिटेल इसके बारे में। तो अगर आपको पसंद है तो आप कॉल कर सकते हैं, इसमें सभी बैंक लोन दे रहे हैं, इसमें 70-80% तक बैंक लोन हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपके संबंध बैंक के साथ कैसे हैं, क्या आपकी प्रोफाइल है, कैसी है, तो उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। और अगर बेनिफिट लेना चाहते तो आपको जल्दी ही इसको बुक करना होगा, क्योंकि जो इनॉगरल डिस्काउंट है वो फिर क्लोज हो रहा है। तो साइट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, हम ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, थैंक यू।